तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री दूसरा अध्याय। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हों, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतौनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी पतिव्रता घर का कारबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हों, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता और ऐसी खराई पाए जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने की गौ न पाकर लज्जित हों। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें, और उलटकर जवाब न दें, चोरी चलाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दें, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए।